हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको यहां पे जियो का 5G प्लस, जियो का 5G प्लस मतलब कि जियो का जो 700 वाला मेगा फ्रीक्वेंसी वाला बैंड गाइस पे टेस्ट करके दिखाऊंगा, और 3300 वाला प्लस 700 प्लस 3300 दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बाद क्या स्पीड आता है, आप रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये लो नेटवर्क एरिया में स्पीड में टेस्ट करने वाला, जहाँ पे जियो का बिल्कुल भी नेटवर्क गाइज नहीं आता है, फोन में तो सिग्नल ही रिसीव नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी चल जाइए, छत पे चल जाइए, ग्राउंड फ्लोर का ही रिसीव नहीं होता है, वहां पे चले मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ये जो हम बैंड जियो का 28 यूज कर रहे हैं, जियो का 28 बैंड मतलब 700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगा आई थिंक। और यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे जियो का थोड़ा सा 700 में अच्छा आता है, -88 dBm है, जो कि टावर यहाँ पे ऊपर फुल दिखा हुआ है, फुल लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एंड अभी जहाँ पे ये डिवाइस हमने लगवाया है, यहाँ से जियो का नेटवर्क कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर टावर है। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर दूर से सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो रहा है। इसको बेसिकली हमने धरती से लगभग 30-40 फीट हाइट पे एक डिवाइस लगा रखा है, उस डिवाइस का एक जियो सिम इंस्टॉल्ड है। तो चलिए मैं स्पीड फिलहाल टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ इसी का। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड टेस्ट करते हैं और इसमें क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अभी जो स्पीड टेस्ट गाइस हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपका स्पीड टेस्ट हो रहा है जियो का N28 वाले बैंड पे। ठीक है, जो कि जियो 5G का ये स्पीड है, 15 Mbps डाउनलोड स्पीड है, 16 Mbps ये जियो का जो स्पीड हो रहा है, ये मतलब कि सेल के एज पे है। ठीक है, मतलब बहुत दूर है सेल के एज पे, जहाँ पे नॉन नेटवर्क जोन में हम लोग आते हैं। हमारे यहाँ कोई 5G वगैरह नहीं लॉन्च हो रखा है जियो का। हाँ, एयरटेल 5G है बट जियो 5G नहीं है। तो वहाँ पे इस प्रकार से स्पीड आया है, डाउनलोड स्पीड 16 Mbps और अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छा आया है 18 Mbps। मैं इसको एक बार और टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूँ कि कितना आता है। एंड पिंग 36 आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, अपना काम चल जाता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगा, बस वीडियो में गाइस बने रहिएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस। सो यहाँ पे अपलोड भी कहीं ना कहीं 20-15 जो भी आ रहा है, मतलब 15 Mbps के आसपास आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसमें फिलहाल मैं प्लान यूज कर रहा हूँ 1559 रुपये वाला, जो कि 36 मतलब एक साल के आई थिंक मिलता होगा 5G, उसमें 4G नहीं मिलता था। सो यहाँ पे 16 Mbps डाउनलोड स्पीड, 19 Mbps अपलोड स्पीड आया है। कहाँ पे वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जियो N28 वाले बैंड पे। जियो N28 बैंड को हमने टेस्ट करके आपको दिखा दिया, अभी N78 को टेस्ट करेंगे, उसके बाद 28 प्लस 78 को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको बैंड को चेंज करेंगे यहाँ पे। उसके लिए गाइस हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स पे, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स मिल जाता है, मैं इसको जो है N78 को हटाने देता हूँ, N28 को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बैंड चेंज होने में 10 से 20 सेकंड का यहाँ पे समय गाइस लगता है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी सिग्नल आ जाएगा, सब कुछ जीरो हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए कितना वीक सिग्नल है, -102 dBm, 103 dBm, और 5G SINR देखेंगे तो 1 के आसपास, मतलब बिल्कुल भी क्वालिटी ऑफ सिग्नल नहीं है, पूरा सेल के एज पे नेटवर्क भी फुल नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा सीन है। अभी इसको पहले तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देन हम लोग स्पीड टेस्ट ट्रू करेंगे। अभी जो स्पीड टेस्ट होने वाला है वो यहाँ पे जियो का 78 वाला बैंड है, यहाँ पे दिखा रहा है आपके सामने, फटाफट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे गाइस। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो गाइस जरूर लाइक कीजिएगा, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें डालते रहते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो डाउनलोड स्पीड है पिछले वाले स्पीड से लगभग यहाँ पे 3x हो चुका है। ठीक है, पिछले बार 16 Mbps आया था, अभी 45 के आसपास गया, 40 चल रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, अभी स्पीड नॉर्मली कम आ रहा है नॉर्मली अभी, अन्यथा ये 200 Mbps तक जाता था, अभी पता नहीं कम क्यों आ रहा है, बट हाँ स्पीड फ्लक्चुएशन होता है। क्यों होता है?
क्योंकि नेटवर्क से हम लोग दूर एरिया पे बहुत ज्यादा दूर है तो इसलिए फ्लक्चुएशन होता है। अभी जो N28 वाला बैंड देखेंगे ना, N28 में अपलोड स्पीड मेरे को बहुत कम मिलता है ऑलवेज। मेरे को वीडियो वगैरह अपलोड करना रहता है, दूसरा मेरा भी यूट्यूब चैनल है तो वहां पे करता हूँ, तो N28 वाला यूज करता हूँ। N78 में अपलोड स्पीड आता ही नहीं है, 4 Mbps अपलोड आया है और 41 Mbps डाउनलोड तो अच्छा आता है इसमें, बट अपलोड नहीं आता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ये N78 वाले बैंड। दोनों कंबाइंड करके भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, अभी आपको दोनों कंबाइंड करके दिखाने वाला हूँ क्या स्पीड आता है। सो उस पे भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में हमने जियो एयर फाइबर भी लगाने के लिए अप्लाई किया था, बट उन्होंने मना कर दिया, बताया कि उन्होंने यहाँ पे आपका 5G का सिग्नल नहीं आ रहा है, सो आपके एरिया में हम लोग कोई भी एयर फाइबर वगैरह नहीं लगवाएंगे, उन लोगों का आने का मतलब हुआ। अब इस डिवाइस को मैं लगभग 8 महीने से, लगभग आई थिंक 8 महीने ना, हाँ 8 महीने से लगभग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग लगभग इस डिवाइस को 6 से 8 महीना आई थिंक हो गया होगा। 2023 दिसंबर या फिर नवंबर में ही हमने परचेज किया था। सो 2 बार स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया, ये 40 Mbps डाउनलोड आया है, लगभग लगभग 5 Mbps अपलोड स्पीड किसका, यहाँ पे N78 का, N78 का डाउनलोड स्पीड 3x है और अपलोड स्पीड जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अभी चलते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सिंपली यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे जाते हैं, एडवांस पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं और बेसिकली यहाँ पे जो है वो अप्लाई पे, यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे बैंड कौन सा आता है गाइस, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी 5G आया है, थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि 5G प्लस पकड़ने में थोड़ा सा यहाँ पे जो समय लग जाता है। अभी 5G आया है, थोड़ी देर में 5G प्लस आ जाएगा। अभी N28 बैंड कनेक्टेड है, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है 5G प्लस वगैरह पकड़ने में, क्योंकि क्या है कि नेटवर्क उतना अच्छा रहता नहीं है। 5G प्लस के लिए करने के लिए क्या होता है, नेटवर्क गुड चाहिए, ठीक है, तब जाकर पकड़ता है। और इसमें देखिए फाइनली ये पकड़ चुका है, तो इसको 28 प्लस 7 फिर भाग गया, वो आता है जाता है आता है जाता है। ठीक है, अभी दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट गाइस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखने को पता चलेगा कि क्या स्पीड गाइस यहाँ पे आपको देखने को गाइस मिल पाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग टेस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए क्या स्पीड गाइस मिलता है। अभी फिलहाल 5G प्लस पे हम लोग हैं, यहाँ पे 5G प्लस है तो यहाँ पे कितने स्पीड जाता है, वही आया पुराना वाला स्पीड ही फिलहाल दिख रहा है। अभी स्पीड ही कम है ऊपर से ही, तो उसका क्या ही कर सकते हैं, स्पीड ही कम है। 28 प्लस 78, ठीक है, 25 के आसपास आया है। और इसमें अपलोड वही मिलेगा जो कि पुराने वाला 5G पे मिल रहा था, मतलब डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड इसमें लगभग लगभग सेम मिलता है, स्टेबलाइज मिलता है पुराने वाले नेटवर्क से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लो नेटवर्क कवरेज एरिया पे हैं नॉर्मली, और यहाँ पे स्पीड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कवरेज इशू के कारण। फोन में तो बिल्कुल आपको 4G तक भी नहीं चलेगा, 4G में वन सिग्नल आता है, वो भी आप छत पे जाते हैं तब यहाँ पे उस कंडीशन का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। जियो वाले को हमने कई बार कंप्लेन किया, ये लोग नेटवर्क सही नहीं करते हैं, मतलब उनको पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, उस ऊपर हायर लेवल पे बंदे से भी बात किए थे, बट वो लोग यहाँ पे अपडेट ही नहीं करना चाहते, बोलते जैसा चल रहा है चल रहे, तो क्या ही फर्क पड़ता है, उनका डायरेक्ट ये कहने का मतलब है। एंड एयरटेल का क्या है, एयरटेल का 5G तो बहुत अच्छा है, 150-200 Mbps का यहाँ पे अपलोड डाउनलोड स्पीड दोनों कॉन्स्टेंट मिल जाता है 100 प्लस, बट क्या है कि उसका 5G में एक दिन का 10 GB के आसपास यूज कर सकते हैं, मंथ का 300 GB, और दिस इज द प्रॉब्लम। नॉर्मली हम लोग सिंगल डे में यहाँ पे हम लोगों का वाईफाई कंजम्पशन लोग 30 से 40 GB हो जाता था, महीने का 1000 GB यूज है, तो एयरटेल में क्या होता है कि 5G ब्लॉक कर देता है 300 GB यूज होने के बाद, दिस इज द प्रॉब्लम। एंड ऐसा सीन है, अगर आप लोग बोलेंगे, दूसरा एक वीडियो इसका मेरे पास था पड़ा हुआ अनबॉक्सिंग वाला वीडियो, एंड वो सब भी मैं डाल दूंगा अगर कोई कमेंट करेगा तो। नॉर्मली ये डिवाइस सही है, ठीक है, नॉर्मली तो अभी ये सही नहीं है, एयर फाइबर आ गया, जिसमें एयर फाइबर नहीं था उसमें सही मैं यूज कर रहा हूँ वाला के, उसमें एयर फाइबर सिटी वगैरह में आया था, मेन सिटी में लाइक मेट्रो सिटी में, बट हमारे एरिया पे नहीं आया था, तो हम लोगों ने
लगवा लिया, चाइना से बेसिकली हम लोग इसको इम्पोर्ट करवाए थे। अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, इंडिया में थोड़ा सा कॉस्टली वाला डिवाइस मिलता है, बट यस यहाँ पे मिल जाता है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको किसी को लगवाना है तो जियो एयर फाइबर ही लगवाए, वो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है। सो यहाँ पे स्पीड वेरिएबल रहता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमने Jio 28 वाले बैंड पे दिखा दिया, Jio 78 वाले बैंड पे, 28+78, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा लो नेटवर्क कवरेज एरिया में कितने स्पीड आता है। बाकी नेटवर्क के लिए जब मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, मतलब टावर के नजदीक जाता हूँ, वहां पे इसी पे 800 Mbps का डाउनलोड स्पीड मिल जाता है और 100 Mbps का अपलोड स्पीड मिलता है, सेम नेटवर्क स्पीड, सेम टावर, उसी टावर से सिग्नल आता है। तो यहाँ पे आते आते वीक हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके एंड बाय गाइस।